हेलो फ्रेंड्स, आजकल बहुत ब्रेकअप हो रहे हैं, बहुत डाइवोर्स के केस आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ये परिस्थिति का सॉल्यूशन क्या है? क्या करने से ये परिस्थिति बदल सकती है या फिर उसमें सुधार आ सकता है? मैं चांदनी दलाल, मैरिज कंसल्टेंट एंड मैरिज काउंसलर, आज बात करूंगी प्री मैरिज काउंसलिंग के बारे में। कोई भी रिलेशनशिप में जुड़ने से पहले वो व्यक्ति को प्री मैरिज काउंसलिंग करवाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि शादी वो बंधन है जिसमें हम इमोशनली किसी के साथ जुड़ते हैं। ज़िंदगी के कोई भी फेस पे हम इमोशनली जब अटैच होते हैं तो बहुत बार डिसीज़न लेने में गलती कर देते हैं। इसके लिए प्री मैरिज काउंसलिंग करवाना ज़रूरी है। सर्वेक्षण में भी आया है कि 45% तक के डिवोर्स और ब्रेकअप रुक सकते हैं अगर प्री मैरिज काउंसलिंग करवाते हैं तो। प्री मैरिज काउंसलिंग करवाने के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आपको अपने रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ, वीकनेस और डेप्थ का पता चलेगा। आप कहीं पे अपने रिलेशनशिप में सुधार लाना चाहते हैं तो वो काउंसलर के गाइडेंस के थ्रू आप सुधार ला सकते हैं। आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई बात पे, कोई प्रश्न पे असहमति है दोनों की, तो कैसे उनका सॉल्यूशन लाना है या फिर कैसे एकमत होके वो परिस्थिति से जुड़ना है और ये परिस्थिति का सामना करना है, वो आपको काउंसलर से गाइडेंस मिल सकता है। दूसरी बात, अगर रिलेशनशिप में कहीं पे मनमुटाव है, मतभेद है, तो उसको मनभेद नहीं बनाने की भी गाइडेंस वहाँ पे मिलती है। प्री मैरिज काउंसलिंग इज़ वन ऑफ द नीड, क्योंकि रिलेशनशिप के डेप्थ को डेप्थ मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी आप सबको मालूम है कि कोई भी नई चीज़ हो, नए पौधा हो या फिर कोई भी नई चीज़ हो, तो हमें उसकी केयर चाहिए। तो जब हम कोई रिलेशनशिप में जुड़ रहे हैं तो उसको कुछ केयर चाहिए, कुछ प्रोटेक्शन, कुछ हूफ, जो भी हम बोलते हैं वो सारी उसको दे, तो उससे रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो प्री मैरिज काउंसलिंग इज़ वन ऑफ दैट प्रोटेक्शन, वन ऑफ दैट हूफ, वन ऑफ दैट नीड, जिससे रिलेशनशिप की रूट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और स्ट्रांग रिलेशनशिप कभी नहीं टूटते। तो वो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्री मैरिज काउंसलिंग करवाना चाहिए। इट इज़ अ बेसिक नीड, ऐसा मैं बोलती हूँ। तो आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव जो अभी रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मेरा वीडियो में आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें, टैग करें, सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ। हाँ, आपको कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। Thank you very much.